मोबाइल की लाइफलाइन चार्जिंग पोर्ट। यह छोटा सा हिस्सा आपके फोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल मोबाइल फोन हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। हम इन्हें हर समय हर जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम काम कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों या दोस्तों के साथ समय बिता रहे हों, मोबाइल फोन हमेशा हमारे साथ होते हैं। लेकिन सोचो, अगर आपका फोन चार्ज ही ना हो तो यहाँ चार्जिंग पोर्ट बहुत जरूरी होता है। बिना चार्जिंग पोर्ट के आपका फोन एक बेकार डिवाइस बन जाता है। ये आपके फोन और चार्जर के बीच का कनेक्शन होता है जो बैटरी को पावर देता है। जब आप चार्जिंग केबल को पोर्ट में लगाते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि आपका फोन चार्ज हो रहा है और आप इसे बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चार्जिंग पोर्ट खराब हो जाए तो आपका फोन बेकार हो सकता है। यह समस्या बहुत आम है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि धूल, गंदगी या बार बार केबल लगाने और निकालने से पोर्ट का खराब होना। इसलिए चार्जिंग पोर्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से पोर्ट को साफ करना और इसे सुरक्षित रखना आपके फोन की लाइफ को बढ़ा सकता है। अगर आप OnePlus फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको चार्जिंग पोर्ट की परेशानियों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। OnePlus फोन के चार्जिंग पोर्ट में भी वही समस्याएं हो सकती हैं जो अन्य फोनों में होती हैं। ये परेशानी बहुत आम है और इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका चार्जिंग पोर्ट खराब हो जाए तो इसे ठीक करवाना बहुत जरूरी है। एक विशेषज्ञ से संपर्क करें जो इसे सही तरीके से ठीक कर सके, ताकि आपका फोन फिर से सही से काम कर सके। OnePlus यूजर्स की परेशानी, ढीला चार्जिंग पोर्ट। OnePlus यूजर्स अक्सर चार्जिंग पोर्ट से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। यह समस्या न केवल आपके फोन के उपयोग को प्रभावित करती है बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी बाधा डाल सकती है। सबसे आम परेशानी है ढीला चार्जिंग पोर्ट। जब चार्जिंग पोर्ट ढीला हो जाता है तो चार्जर सही से फिट नहीं होता और बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है। इसमें चार्जर सही से फिट नहीं होता और बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है। यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब आपको अपने फोन की बैटरी जल्दी से चार्ज करनी हो। यह बहुत परेशान करता है, खासकर जब आपके फोन की बैटरी कम हो रही हो। इस स्थिति में आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए संघर्ष करते हैं और यह आपके काम को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कुछ यूजर्स को डैमेज्ड चार्जिंग पोर्ट की परेशानी भी होती है। डैमेज्ड पोर्ट के कारण चार्जिंग केबल सही से कनेक्ट नहीं हो पाती और चार्जिंग प्रक्रिया बाधित होती है। इसमें पोर्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और फोन चार्ज नहीं होता। यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब आपका फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है और आप इसे चालू नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है और इसे ठीक करवाने के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है। सर्विस सेंटर में जाकर आप अपने फोन के चार्जिंग पोर्ट को ठीक करवा सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया समय और पैसे दोनों की मांग करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने फोन के चार्जिंग पोर्ट का ध्यान रखें और इसे सही तरीके से उपयोग करें ताकि ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। खराब पोर्ट के पीछे के कारण। OnePlus फोन में चार्जिंग पोर्ट खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है बार बार चार्जर लगाना और निकालना। इससे पोर्ट ढीला हो जाता है और खराब भी हो सकता है। इसके अलावा धूल, गंदगी और जेब में रखी चीजें भी पोर्ट में जाकर उसे खराब कर सकती हैं। फोन गिरने पर या उस पर दबाव पड़ने से भी पोर्ट डैमेज हो सकता है। कभी कभी खराब क्वालिटी के चार्जर या केबल का इस्तेमाल भी परेशानी का कारण बनता है। घर पर कैसे करें परेशानी का समाधान? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने OnePlus फोन के चार्जिंग पोर्ट की समस्या को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपके OnePlus फोन का चार्जिंग पोर्ट ढीला है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ आसान उपाय घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सही उपकरण है। सबसे पहले
टॉर्च की मदद से पोर्ट के अंदर देखिए, यह देखने के लिए कि कहीं अंदर कोई धूल या गंदगी तो नहीं है। अगर आपको धूल या गंदगी दिखे तो उसे साफ करने की कोशिश करिए। धूल और गंदगी चार्जिंग पोर्ट के सही से काम न करने का एक आम कारण हो सकते हैं। ध्यान रहे, सफाई करते समय पोर्ट को नुकसान न पहुंचे। चार्जिंग पोर्ट बहुत नाजुक होता है, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से साफ करें। इसके लिए आप लकड़ी के टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपिक से धीरे धीरे पोर्ट के अंदर की धूल को निकालें या मुलायम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलायम ब्रश से पोर्ट के अंदर की सफाई करना सुरक्षित होता है। अगर परेशानी अभी भी है तो आप दूसरा चार्जर इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कभी कभी समस्या चार्जर में भी हो सकती है या केबल इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अलग अलग केबल्स का उपयोग करके यह सुनिश्चित करें कि समस्या केबल में तो नहीं है। अगर फिर भी समस्या बनी रहती है तो आपको अपने फोन को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ सकता है। सेक्शन 5, सफाई का सही तरीका। चार्जिंग पोर्ट की सफाई करते समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फोन को बंद कर दें, फिर टॉर्च की मदद से पोर्ट के अंदर देखिए। अगर आपको धूल या गंदगी दिखे तो उसे हल्के हाथों से साफ करिए। ध्यान रहे, पोर्ट के अंदर कोई भी धातु की चीज ना डालें, इससे पोर्ट खराब हो सकता है। सफाई के लिए लकडिड ही के टूथपिक या मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें। साफ करने के बाद फोन को चालू करने से पहले थोड़ी देर रुकें। सेक्शन 6, केबल बदलने के फायदे। कभी कभी चार्जिंग पोर्ट में परेशानी केबल की वजह से भी हो सकती है, इसलिए परेशानी का हल करने के लिए केबल बदलना एक अच्छा तरीका है। अगर आप बहुत दिनों से एक ही केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी कनेक्टिविटी कमजोर हो गई हो। एक नई और अच्छी क्वालिटी की केबल इस्तेमाल करने से चार्जिंग स्पीड भी बेअकेद से होती है। ध्यान रहे, हमेशा असली या अच्छी क्वालिटी की केबल ही इस्तेमाल करें। नकली या खराब क्वालिटी की केबल आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकती है। सेक्शन 7, कब है रिपेयर की जरूरत। अगर आपने ऊपर बताए गए सभी उपाय कर लिए हैं और फिर भी परेशानी है तो आपको अपना फोन सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके फोन के चार्जिंग पोर्ट को रिपेयर या बदलने की जरूरत हो। ध्यान रहे, फोन को खुद से ठीक करने की कोशिश ना करें, इससे आपके फोन को और नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा किसी अच्छे सर्विस सेंटर से ही फोन की मरम्मत करवाएं। सेक्शन 8, पोर्ट की सुरक्षा के टिप्स। अपने OnePlus फोन के चार्जिंग पोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ आसान टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, फोन को हमेशा साफ जगह पर रखें। धूल, गंदगी और जेब में रखी चीजों को पोर्ट में जाने से रोकें। दूसरा, फोन को चार्ज करते समय उसे जमीन पर ना गिरने दें। तीसरा, हमेशा असली या अच्छी क्वालिटी के चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें। इन टिप्स को मानकर आप अपने फोन के चार्जिंग पोर्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सेक्शन 9, मेरा अनुभव। OnePlus 6 का चार्जिंग पोर्ट। मुझे भी एक बार अपने OnePlus 6 फोन के चार्जिंग पोर्ट में परेशानी आई थी। मेरा फोन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था और ठीक से चार्ज नहीं हो रहा था। मैंने टॉर्च से पोर्ट के अंदर देखा तो पाया कि उसमें बहुत धूल जमा हो गई है। मैंने लकड़ी के टूथपिक से धूल साफ की और केबल भी बदल दी। इसके बाद मेरा फोन फिर से ठीक से चार्ज होने लगा। इससे मैंने सीखा कि फोन के चार्जिंग पोर्ट की सफाई और देखभाल करना कितना जरूरी है। इससे था। सेक्शन 10, आखिर में रखें अपने फोन का ख्याल। चार्जिंग पोर्ट किसी भी स्मार्टफोन का एक जरूरी हिस्सा होता है। OnePlus फोन में आने वाली चार्जिंग पोर्ट की परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने फोन का ध्यान रखें, पोर्ट को साफ रखें, अच्छी क्वालिटी के चार्जर और केबल का इस्तेमाल करें और फोन को गिरने से बचाएं। याद रखें,
थोड़ी सी सावधानी और देखभाल आपके फोन की लाइफ बढ़ा सकती है और आपको चार्जिंग की परेशानियों से बचा सकती है।